अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल इन्फो विद रोहिल इंतखाब। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन की। दुनिया भर में वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की वैक्सीनेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब किस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसका फार्मूला क्या है और वो कितनी जो है वो बेहतर है, कितनी जो है वो उसका फार्मूला आपको अफेक्टिव कर सकेगा, यानी कि वो उसका मुकाबला कर सकेगा कोरोना वायरस जो कि वायरस आपकी बॉडी में जाकर और बनता है, उसको वो कितना फाइट कर सकेगा, या ये कह लीजिए कि वो उस वैक्सीनेशन के लगाने के बाद आप कितना बेहतर या सेहतियाब हो सकते हैं या आपको आगे जाकर कोरोना वायरस नहीं होगा। नाज़रीन, अभी ये कहना कबलस वक्त है। वैक्सीनेशन जिस तरीके से आई और जिस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और उसकी मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो कैटेगरीज है वो उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बहुत ज़बरदस्त खबर सामने आई है, लिहाजा सोचा कि आप इसे डिस्कस करें। एक बहुत ज़बरदस्त नाम, एक बहुत मकबूल नाम और उसकी तरफ से ऐसा बयान आना तो वो हमें फिर शक में डाल देता है कि अगर ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसे फाउंडर्स, ऐसे इदारों के सरबराह ये बातें करेंगे तो फिर वैक्सीनेशन के बारे में सोचा जा सकता है कि उसके जो केमिकल है, उसके ड्रग्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो क्या वाकई बेहतर होंगे या इंसान के लिए, यानी कि जिसको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसके लिए ख़तरा बन सकते हैं। नाज़रीन, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स का पैगाम इस तरीके से सामने आया। उन्होंने स्काई न्यूज़ को संडे को इंटरव्यू दिया जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो फार्मूला है वैक्सीन का, ये नहीं भेजा जाए, ये नहीं शेयर किया जाए डेवलपिंग वर्ल्ड से, डेवलपिंग कंट्रीज से, डेवलपिंग स्टेट्स से। नाज़रीन, ये उन्होंने क्यों कहा और उनमें कौन आता है? उनमें पाकिस्तान भी आता है, उसमें इंडिया भी आता है, उसमें ईरान भी आता है, खित्ते के आसपास वो ममालिक होते हैं जो तरक्की पसीर हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स हैज कम अंडर फायर फॉर सेइंग वैक्सीन फार्मूला शुड नॉट बी शेयर विद डेवलपिंग कंट्रीज और नेशंस, और ये उन्होंने क्यों कहा, अब इस पर सवाल है। जब से उनसे ये सवाल इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया तो उन्होंने उस पर ये रिस्पॉन्स दिया कि देयर इज ओनली सो मैनी वैक्सीन फैक्ट्रीज जो कि दुनिया भर में लगी हुई हैं और लोग जो है उसको सीरियसली जो है उसको सिक्योर नहीं समझ रहे हैं, यानी कि रिसर्च हो रही है, पेपर लेके जा रहे हैं COVID-19 पे और इसकी वैक्सीनेशन पर। नाज़रीन, मेरा भी सवाल यही है कि क्या बात है कि मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन जो है हमें देखने को मिल रही है। अगर हम सरकारी वैक्सीन की बात करें तो उसकी कॉस्ट आपके सामने है, उसकी वैक्सीनेशन के नंबर्स आपके सामने हैं, उसकी वैक्सीनेशन की क्वालिटी आपके सामने है। प्राइवेट वैक्सीनेशन की बात करें तो वो फिर दूसरे कंट्रीज, यानी कि जो चाइना से वैक्सीन आ रही है उसकी लॉट अलग है, उसके फार्मूले को डिफरेंट रखा गया है। रशिया की वैक्सीन की अगर बात करें या दूसरे कंट्रीज़ की वैक्सीन की बात करें, उनका फार्मूला, उनकी लॉट को अलग रखा गया है, उनकी कैटेगरी को अलग रखा गया है। तो अब ये सवाल बिल गेट्स का जो सामने आया है और उस पर जो है लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया है, मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं। मुझे अपना ये पैगाम दीजिए, नीचे वीडियो के लिंक आपके पास, वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन आ रहा है, लिखिए, बताइए कि आप क्या समझते हैं कि बिल गेट्स का ये बयान इस वक्त बेहतर है देना, और अगर उन्होंने, बिल गेट्स ने ये बयान दिया है तो वो ये क्या ये बेहतर है या नहीं है, इसी पे अपनी राय आप दीजिए और वीडियो को जो है अपनी राय देकर आप वीडियो में शामिल कीजिए। हम आपको आपकी राय को जो है किसी और वीडियो में शामिल करके, इसी के साथ एक और वीडियो को शामिल करके उसमें डिस्कस करेंगे, आपका मिला जुला रद्दमल देखेंगे और देखें कि बताएँ कि बिल गेट्स का ये जो बयान है, ये हम अपने आपके बैकग्राउंड पर भी देख रहे होंगे, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बिल गेट्स का बयान है, उन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। नाज़रीन, नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखें, वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लिहाजा आप ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, जो सरकार कहेगी, जैसा सरकार कहेगी हमें देखना पड़ेगा और सवाल भी सरकार से करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा ये सवाल कि बिल गेट्स ने ये बात कही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर कितना इसको, इसकी बात को सेकंड करती है, सराहती है या डिनाई करती है। जो भी आपका जवाब होगा, उस सरकार का जो भी जवाब होगा, हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिए, SOPs का ख्याल रखिए, फासला रखिए, आप सेहतमंद होंगे, आपकी फैमिली सेहतमंद होगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सारी सेलिब्रेशंस आप करते रहेंगे, सारी एक्टिविटीज़ आप करते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर सका, तो अफसोस, सब
आपको ही रहेगा। लिहाजा रब्बुल इज्जत सबका बहुत ख्याल रखे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को शेयर कीजिए। हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी सब्सक्राइब कीजिए।